हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है मीट माय फैमिली। तो फैमिली का नाम सुनते आपको ये पता रहे कि व्हाट इज़ फैमिली। फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है जिसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, इज कॉल्ड ए फैमिली। वो क्या होती है? फैमिली होती है जैसे, मतलब जिसमें आपके दादा दादी जी, आपके मम्मी पापा, अंकल आंट, उनके बच्चे एक साथ एक ही हाउस में रहते हैं, तो वो क्या होती है? फैमिली होती है। बट कुछ सम फैमिली आर स्मॉल फैमिली एंड सम फैमिली आर जॉइंट फैमिली। कुछ फैमिली जो होती है वो स्मॉल फैमिली होती है, छोटी फैमिली होती है, और कुछ फैमिली जो होती है वो जॉइंट फैमिली होती है। अब आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, लुक एट दिस पिक्चर। तो ये किसकी फैमिली है? ये तारा और यश की फैमिली है। तो ये तारा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें ये बोल रही है आई एम तारा। ये कौन है? ये तारा है। अब ये बता रही है कि ये किसके साथ रहती है। आई लिव इन माई हाउस विथ माई, ये अपने घर के अंदर किसके साथ रहती है? जिसमें मदर, फादर एंड ब्रदर। ये किसके साथ रहती है? मदर, फादर एंड ब्रदर। वी आर ए स्मॉल फैमिली। तो ये छोटे हाउस में रहती है ना, मतलब मीन्स स्मॉल फैमिली में रहती है ना, जैसे इसमें ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है इसके। तो ये क्या हुआ कि ये केवल अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहती है, तो ये क्या हुई? स्मॉल फैमिली हुई। अब आपको नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये कौन है? ये तारा का भाई है। तो अपने आपको बता रहा है कि आई एम तारास ब्रदर यश, और इसका नाम क्या है? यश। अब इधर देखिए आप, ये कौन है? आई एम लता। ये कौन है? लता। एंड आई एम तारा एंड यश मदर, और ये तारा और यश की क्या है? मम्मा है। नेक्स्ट है आई एम नितिन, और ये कौन है? नितिन है। आई एम तारा एंड यश फादर, तो ये कौन है? यश और तारा के मम्मी पापा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आप नीचे देखिए, तो तारा और यश किस में रहते हैं? स्मॉल फैमिली में रहते हैं, बिकॉज उसके उनके उनके साथ उनके केवल उनके मम्मी और पापा ही रहते हैं। तो तारा और यश की फैमिली क्या हुई? स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली। एंड अब आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये कौन है? तारास बेस्ट फ्रेंड पार्थ। ये कौन है? तारा का बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम क्या है? पार्थ है। एंड ही लिव्स इन ए बिग फैमिली, और ये कौन सी फैमिली में रहता है? बिग फैमिली। अब आप पार्थ की फैमिली देखिए, है ना ये बिग फैमिली, बिकॉज इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, उसके अंकल आंट भी हैं, मम्मी पापा भी है, उनके बच्चे भी हैं, भाई बहन सब हैं। तो ये क्या है? ये जॉइंट फैमिली है, मींस बिग फैमिली है, बड़ी फैमिली है। बट तारा क्या है? स्मॉल फैमिली में रहती है, बिकॉज उसके केवल मम्मी पापा और उसका भाई साथ में रहता है, तो वो फैमिली क्या होती है? स्मॉल फैमिली। और जिस फैमिली में सब लोग रहते हैं, जैसे आप इस पिक्चर को देख रहे हो, तो वो क्या होती है? बिग फैमिली, मींस जॉइंट फैमिली। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि स्मॉल फैमिली कौन सी होती है और बिग फैमिली कौन सी होती है। अब देखिए आप, टाइप्स ऑफ फैमिली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होती है। अब ये देखिए, पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस एंड रिलेटेड बाय बर्थ मेकअप ए फैमिली। जैसे आपके दादा दादाजी है, फिर आपके मम्मी पापा, अंकल आंट, तो ये क्या है? ये जन्म से ही एक साथ है। तो ये क्या होता है कि जन्म से ही जब लोग एक साथ एक ही हाउस में रहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो एक परिवार बनाते हैं, और वही क्या होती है? फैमिली होती है। एंड इफ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, तो फैमिली क्या हो सकती है? बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ए स्मॉल फैमिली ऑनली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो स्मॉल फैमिली कौन सी होती है? जिसमें पेरेंट्स होते हैं, मीन्स मम्मी पापा होते हैं, और उनके बच्चे होते हैं, तो वो क्या होती है? स्मॉल फैमिली। आवर मदर एंड फादर आर आवर पेरेंट्स, आपके जो मम्मी और पापा होते हैं वो क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स होते हैं। एंड ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड सिबलिंग्स, मीन्स सगे भाई बहन जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। तारा लिव्स इन ए स्मॉल फैमिली, तारा कौन सी फैमिली में रहती है? ये देखिए तारा की फैमिली, तो तारा की फैमिली में कौन है? मम्मी पापा है, उसका भाई यश है, और वो खुद है, तो ये क्या हुई? स्मॉल फैमिली हुई। अब आप देखिए, ए स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, और एक स्मॉल फैमिली को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। अब ये देखिए, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? सिंगल पेरेंट फैमिली का मतलब होता है, जैसे सम स्मॉल फैमिलीज में हैव चिल्ड्रन लिविंग ऑनली विद देयर फादर और मदर,
जैसे सिंगल पेरेंट्स फैमिली वो होती है जिसमें वो अपने मम्मी पापा दोनों के साथ नहीं, सिंगल, या तो अपने फादर के साथ उनके बच्चे रहते हैं या फिर अपनी मम्मी के साथ बच्चे रहते हैं, तो वो क्या होती है, उस फैमिली को बोलते हैं सिंगल पेरेंट्स फैमिली। जिसमें मम्मी पापा दोनों साथ में होते हैं वो तो स्मॉल फैमिली होती है। अब जिसमें केवल मम्मी के साथ बच्चे रह रहे हैं या फिर केवल पापा के साथ बच्चे रह रहे हैं तो वो क्या होगी, सिंगल पेरेंट फैमिली। अब देखिए पार्थ की फैमिली क्या थी, जॉइंट फैमिली, बिग फैमिली, बड़ी फैमिली थी। तो ए फैमिली दैट हैज पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। तो पार्थ की फैमिली कौन सी थी, जॉइंट फैमिली। तो पार्थ लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली बिकॉज पार्थ किसके साथ रहता था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, उनके बच्चे सब एक साथ रहते थे, तो उसकी फैमिली क्या थी, जॉइंट फैमिली थी। एंड वी कॉल डिफरेंट पीपल इन आवर फैमिली बाय डिफरेंट नेम्स, हमारी फैमिली में जो लोग रहते हैं हम उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ 4 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं, तो इसके अंदर आपको ये कंप्लीट करना है, इसमें बताना है कि आपके घर पे आप किसको कैसे बुलाते हैं और आपको आपके घर वाले कैसे बुलाते हैं या पुकारते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, और ये चैप्टर आपको रीड करना है।